घटना हुई है, ये हुई है 7:44 की, और जैसी हुई है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं, बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी फटते तो इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुबार था, पूरा धुआं का, बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह, किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं, और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। जब आप आए तो पुलिस कितनी देर के बाद यहाँ पर आई? पुलिस आ गई थी, ये नहीं कहूँगा कि पुलिस आ गई थी विद इन 5 मिनट, क्योंकि ये आवाज़ यहाँ पे क्राइम ब्रांच है बिल्कुल आगे जाके, तो क्राइम ब्रांच तक आई है और तभी सब सुन के आया। यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है तो पीछे रोहिणी कोर्ट भी है, तो एक बात है कि यहाँ तो वैसी सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है, वरना शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, किसी की हताहत होने की कोई खबर है भी नहीं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। बस हमारा गार्ड ने सुबह 7:40 पे फोन कराया कि यहाँ बम फूटा है, तो ये बम जो फूटा वो CRPF स्कूल के सामने है। तो हम बाबा के यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत सारा धुआं था, 6-7 फुट ऊपर धुआं ही धुआं था, 6-7 फुट ऊंचा धुआं ही धुआं नजर आया, जिसके कारण ये पूरी बिल्डिंग में सारे शीशे टूट गए हैं, सारे बोर्ड टूट गए हैं, और ये अभी तक पता नहीं चला। पुलिस पूरी यहाँ पे आई है, फोर्स पूरी यहाँ पे आई हुई है, ये पता नहीं चला अब क्या फूटा है क्या नहीं फूटा, ये अभी सारी इंक्वायरी चल रही है, और बाकी हम देखो क्या होता है, ये पुलिस वाले बताएंगे या स्क्वाड वाले बताएंगे हमें। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।